नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जामिया और शाहीन बाग इलाके में भी हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने जामिया से सटे जसोला में 3 बसों को फूंक दिया और आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों पर भी हमला कर दिया। इसमें 2 अग्निशमन कर्मियों को चोटें आई हैं और वे अस्पताल में भर्ती हैं। मौके पर पुलिस कर्मियों पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद छात्रों ने पथराव कर दिया। हिंसक प्रदर्शन में 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस बल ने यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर की ओर रुख किया। वहीं जामिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन का अपनी सफाई में कहना है कि हिंसा में उनके छात्र शामिल नहीं हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के चीफ प्रोक्टर वसीम अहमद खान का आरोप है कि पुलिस ने बल द्वारा परिसर में प्रवेश किया, कोई अनुमति नहीं ली थी। हमारे कर्मचारियों और छात्रों को पीटा जा रहा है और परिसर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इलाके की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उग्र प्रदर्शन और पथराव के चलते सरिता विहार कालिंदी कुंज रोड पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों ने निजी वाहनों के अलावा सरकारी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। एहतियात बरतते हुए पुलिस ने इलाके के सुखदेव विहार आश्रम मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 3 को बंद करा दिया। मोदी मिल फ्लाईओवर पर CRRI की तरफ से आने वालों को नेहरू प्लेस की तरफ जाने की सलाह दी गई। आश्रम चौक की तरफ से आने वाले को रिंग रोड, मूलचंद फ्लाईओवर व BRT कॉरिडोर या DND फ्लाईओवर की तरफ जाने का सुझाव दिया गया। ध्रुवियों को आंसू गैस छोड़कर खदेड़ने में जुटे हैं। वहीं पुलिस के आला अफसर हंगामा खड़ा करने वाले लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील कर रहे हैं। BJP नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। जामिया के टीचर्स ने अपने बयान में कहा है कि हिंसक प्रदर्शन में यूनिवर्सिटी के छात्रों का हाथ नहीं है, इस हिंसा की हम निंदा करते हैं। देव बिहार में ट्रेनों का ठहराव नहीं होगा।